दोस्तों, स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। हरियाणवी छोरे को दिल दे बैठी 65 साल की अमेरिकन विधवा, भारत आकर रचाए शादी। प्यार 2.5 अक्षर का एक ऐसा शब्द जो संयोजित रूप से भले ही अधूरा है, पर इसका शाब्दिक व भावनात्मक रूप असीमित व परिपूर्ण है। जब किसी को किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो फिर उम्र और फासले मायने नहीं रखते। ऐसा ही कुछ हरियाणा के कैथल में सामने आया है। यहां के रहने वाले 27 वर्षीय प्रवीण पर अमेरिका की रहने वाली 65 वर्षीय कैरन लिलियन एबन का दिल आ गया और वो वहां से कैथल आकर सिख रीति रिवाज से विवाह रचाया। शादी के बाद दोनों यहाँ किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं और 18 जुलाई को कैरन वापस अमेरिका जाएंगी। इससे पहले हनीमून के लिए यह नवदंपति भारत के कई प्रसिद्ध स्थानों के भ्रमण पर जाएंगे। आपको बता दें कि कैरन विधवा हैं। विस्तार से जानिए पूरा मामला। फेसबुक पर हुई दोस्ती प्यार में बदल गई। प्रवीण और कैरन के बीच मोहब्बत की शुरुआत नवंबर 2017 में हुई थी। दोनों फेसबुक पर मिले थे। पहले दोस्ती हुई, फिर कब प्यार हो गया पता नहीं चला। प्यार भी ऐसा कि दोनों तरफ से उम्र को लेकर कोई ख्याल ही नहीं आया। दोनों वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से रूबरू भी हुए। एबना पूरे परिवार और दोस्तों से शादी के लिए सहमति के पत्र भी लेकर आए हैं। दोनों ने एक दूसरे को हर सच्चाई बताई। प्रवीण ने बताया कि 21 जून को एबना के भाई का जन्मदिन था, इसीलिए एबना इस खास दिन को विवाह के लिए चुना। एबना 15 जून को भारत आई थी और 18 जुलाई को वापस अमेरिका जाएंगी। प्रवीण ने बताया कि उन्होंने एबना को संगिनी चुनने से पहले अपने जीवन की हर सच्चाई बताई। जब शादी के लिए एबना ने भारत आने की बात कही तो यहां तक कहा कि उसके पास एयरपोर्ट तक गाड़ी लाने के पैसे नहीं हैं, तो एबना ने बस से गांव पहुंचने की इच्छा जताई। राजमिस्त्री का काम करता है प्रवीण। प्रवीण ने इतिहास से एमए किया है और रोजगार नहीं होने के कारण राजमिस्त्री का काम करता है। प्रवीण ने बताया कि एबना 1 महीने बाद वापस अमेरिका जा रही है, लेकिन वह दोबारा आएगी। उसने भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर दिया है। वह पहले टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका जाएगा। स्थायी वीजा नहीं मिला तो एबना भी उसके साथ भारत में ही रहेगी। प्रवीण ने बताया कि एबना के पति का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। वह जीवन भर मां नहीं बन सकती। एबना अमेरिका के एक मध्य आय वर्ग वाले परिवार से हैं।